चलेगा नहीं चलेगा, पत्रकार पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, प्रेस की आजादी पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अरे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकारों पे हमला बंद करो, बंद करो बंद करो, और दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, और दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, न्यूज क्लिक पे ये हमला हुआ है, पत्रकारों के एक समूह पर हमला हुआ है, तब से दिल्ली शहर में लगातार इनिशिएटिव चल रहे हैं। इसी जंतर मंतर पे कुछ दिन पहले एक बड़ा चिल्ड्रंस प्रोग्राम हुआ, दिल्ली के अनेक इलाकों में वामपंथी पार्टियों ने इस सवाल पर जगह जगह लोगों के बीच में जा करके अपने विरोध प्रदर्शन किए हैं, और आज उसी कड़ी में एक और प्रोग्राम करते हुए हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर वामपंथी पार्टियों की तरफ से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये प्रोग्रामों की एक कड़ी है, सिलसिला है, और ये लड़ाई वहां तक जाएगी जब तक सभी पत्रकारों को रिहा नहीं कर दिया जाता, जब तक प्रवीण पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता, जब तक UAPA रद्द नहीं कर दिया जाता, जब तक आजाद पत्रकारिता पर ये हमले बंद नहीं किए जाते, तब तक ये लड़ाई चलेगी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे चलेंगे, और इसको हम जारी रखेंगे। हम जानते हैं ये जो सरकार मोदी सरकार बैठी है, इन्होंने सबसे पहले तो TV की जो पत्रकारिता जिसको मुख्य धारा की पत्रकारिता कहते हैं उसके बड़े हिस्से को इन्होंने मोदी मीडिया में तब्दील कर दिया। वहाँ ऐसे पत्रकारों की जमात खड़ी कर दी इन्होंने जो सच्चाई नहीं दिखाते, जो हकीकत नहीं दिखाते, जो चार आंदोलनों को नहीं दिखाते। जब कोई किसान आंदोलन होता है तो उसको बदनाम करने पहुंच जाते हैं, जब कोई CNRC के खिलाफ आंदोलन होता है वो उसको बदनाम करने पहुंच जाते हैं, वो इन्होंने मोदी मीडिया में उसको तब्दील कर दिया। लेकिन पत्रकारों की बड़ी जमात ऐसी थी, ये जो आपके YouTube चैनल खुले हैं, ये जो आपके तमाम न्यूज पोर्टल्स खुले हैं जिसमें न्यूज क्लिक है, चकचोक है, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो सच्चाई दिखाते हैं लोगों को, जो YouTube के माध्यम से पोर्टल्स के माध्यम से लोगों को सच्चाई दिखाते हैं, इनकी निगाह इस पे थी। ये जानते थे कि इनको ये मोदी मीडिया में तब्दील नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको लगा कि इनकी आवाज को खामोश कर देना चाहिए, इनकी कलम को, इनकी लेखनी को बंद कर देना चाहिए, और उसी का मुजाहरा हम लोगों ने देखा। एक बेहद फैब्रिकेटेड आरोप लगा करके चाइना के नाम पे जिस तरह से न्यूज क्लिप पे धारा हमले किए गए, जिस तरह से उस दिन तमाम दर्जनों पत्रकारों पर जिस तरह से उनके घरों में छापेमारी की गई, उनके लैपटॉप मोबाइल जब्त कर लिए गए, और प्रवीण पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को UPA लगा करके जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ये समझिए कि हाल के वर्षों में आजाद पत्रकारिता पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यह घोषित इमरजेंसी नहीं है, ये घोषित इमरजेंसी है, जब पत्रकारों को सीधे खुलेआम उनको सच बोलने की सजा दी जा रही है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। UAPA जैसी धाराएं, जिस कायदे से जिस UAPA को तब तक रद्द हो जाना चाहिए था, वो UAPA की धाराएं पत्रकारों पर लगाई जा रही हैं, केवल इसलिए कि ये पत्रकार सच्चाई बोलते हैं, ये पत्रकार किसान आंदोलन की तस्वीरें दिखाते हैं, ये पत्रकार CNRC के खिलाफ आंदोलन की तस्वीरें दिखाते हैं, ये पत्रकार महिला अंत महिला पहलवानों के सवालों को दिखाते हैं, महिला आंदोलन को दिखाते हैं, इसलिए इन पत्रकारों पर ये जुल्म किया जा रहा है, इन पत्रकारों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, UAPA जैसी संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं। लेकिन हम लोग इन प्रदर्शनों के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये पत्रकारिता पर जो हमला है केवल पत्रकारिता पर नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है, अभिव्यक्ति आजादी पर हमला है। ये जो पत्रकारों पर हमला है, ये कोई सोहेल हाशमी, भाषा सिंह, ये अमित चक्रवर्ती, प्रवीण पुरकायस्थ पर हमला नहीं है, ये हर नागरिक पर हमला है, हम सब पर हमला है, और इस हमले का जवाब ये लोग अगर देंगे तो हम भी इनके साथ मिलकर के देंगे, लड़ते हुए देंगे, संघर्ष करते हुए देंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। पत्रकारिता पर हमला इस देश पर हमला है, पत्रकारों पर हमला इस देश की जनता पर हमला है, इसलिए हम सभी लोग आइए मिलकर के वो जो जेल
कानून की ताकत बने, वो लोग जिनको आज यूएपीए लगा करके डराया जा रहा है उनकी आवाज और ताकत हम लोग बने, इसलिए हम लोग आज इस प्रदर्शन को करें, आगे भी प्रदर्शनों को करेंगे, लगातार करेंगे। हम जानते हैं कोर्ट की अपनी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन राजनीतिक हालात जिस तरीके के बने हैं, दिल्ली पुलिस उसको शर्म नहीं आ रही है, होम मिनिस्टर उनको शर्म नहीं आ रही है, एक बयान नहीं आ रहा इनका किस तरीके से आजाद पत्रकारिता पे हमला कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने धरनों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से इन सवालों को उठाते रहेंगे। आप सभी से अपील है कि पत्रकारों को आज अकेला हमें नहीं छोड़ना है, इन पत्रकारों ने हमारी आवाजों को उठाया है, अब हम सबको इन पत्रकारों की लड़ाई में साथ देना है, पत्रकारिता को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, अमित चक्रवर्ती और प्रवीण पुरखास को रिहा कराना है, इस लड़ाई को मजबूत बनाना है। मैं CPIML की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार चल रहे प्रदर्शनों के बाद भी आज यहाँ साथी आए हैं, दिल्ली की वामपंथी पार्टियां आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम लेंगी, उन सारे कार्यक्रम में हम लोगों को भागीदारी करनी है। हमारे